नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि BSF ट्रेड्समैन के जो एडमिट कार्ड हैं वो कब निकलेगा और कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले YouTube पे वीडियो दे रहा हूँ कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं मिलना स्टार्ट हो गए। और इससे पहले मैंने एक दिन पहले वीडियो आपकी बनाई थी कि जो इसकी लिस्ट निकली बिहार वालों की वो आपकी आ गई, आप अपना नाम चेक कर लीजिए। तो ये जो न्यूज़ है उसी दिन मुझे पता था, फिर भी मैंने आपको नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बताता उस टाइम तो आप लोगों को फेक लगता, कहते आपकी ये फेक वीडियो है, ये वो उल्टा सीधा आप कमेंट करते तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण मैं आपको उस दिन नहीं बताया था, लेकिन आज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, आपको दिखा सकते हैं जो कि स्क्रीन पर आपके दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो ये आपके एडमिट कार्ड हैं, ये आपके एडमिट कार्ड ऑफलाइन मिलेंगे, ना कि आप ऑनलाइन आपको मिलेगा। ऑफलाइन कैसे मिलेगा, आपके डाक पे आएगा, आपके डाक वाला आपके घर पे लाके आपका एडमिट कार्ड देगा, ठीक है। और जिनके एडमिट कार्ड मिल गए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ मेरा एडमिट कार्ड मिल गया, या जिनके नहीं मिले हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ मेरा अभी एडमिट कार्ड नहीं मिला है। तो जिनका एडमिट कार्ड नहीं मिला है उनको क्या करना है, अपने नज़दीकी डाक केंद्र पे जाना है, डाकघर पे, वहाँ पर बोल देना है कि सर क्या मेरा एडमिट कार्ड आया है BSF ट्रेड्समैन का। आया होगा तो आपको वो दे देंगे, नहीं आएगा तो उनसे बोल दीजिएगा सर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, जब भी आएगा तो मुझे मेरा एडमिट कार्ड दे दीजिए, मेरे घर पे आके दीजिए। और ये जो एडमिट कार्ड है किसी अन्य पर्सन को मत दीजिएगा, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो अन्य पर्सन को ना दे के मुझे ही सर इसका एडमिट कार्ड मेरे घर पर ला के दीजिएगा, वो बात आप नॉलेज में डाल दीजिए। और जो नहीं आपका आया है तो आपको परेशान नहीं होना, आपके जो एडमिट कार्ड हैं आपके 10 दिन के अंदर आ जाएंगे। जब भी आएंगे तो वहाँ पर आपको जो टेस्ट आप डाले रहेंगे वो आपके यहाँ पर शो कर देगा, फिर यहाँ पर नेम आपका रहेगा, फादर नेम रहेगा, यहाँ पर आपका आधार नंबर रहेंगे, फिर आपका जो भी आपका कैटेगरी उसमें रहेंगे, फिर आप मेल हैं उसमें रहेंगे, और आपके जो डेट ऑफ बर्थ रहती है फुल में वो कितने साल की हुई ये आपको डालना है, फिर मतलब डाला रहेगा जो आपने फॉर्म भर रखा था वही आपके आते हैं, फिर आपके आइडेंटिटी मार्क रहते हैं कि आपके शरीर में कौन से निशान आपने डाला हुआ था, फिर आपका फुल पता रहती है उसमें रहेगा, फिर आपका थंब रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं थंब रहेगा, और आपका सिग्नेचर रहेंगे, फिर आपका जो सेंटर दिए गए हैं ना ये सेंटर आपका नाम है, जैसे किशनगंज बिहार का है तो इनका ये गया, और किस डेट को है 1 जुलाई 2019 को है। तो जिनके भी एडमिट कार्ड निकल गए हैं भैया ना, आपको क्या करना है अभी से आपको तैयारी करनी है कि आपकी PHT कैसे होगी, आपके PHT में क्या क्या करवाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाने, ट्रेड टेस्ट के आपका कैसा होगा, सारी चीज़ें आपको मैंने वीडियो बना रखा हूँ पीछे और लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे आपके समझ में आ जाए कि हाँ क्या क्या होने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया हूँ, बहुत सारे वीडियो मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ, लेकिन क्या है कि चैनल थोड़ा छोटा होने के कारण लोगों तक नहीं पहुँच पाती है और व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते, थोड़ा सा हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कोई भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, चाहे BSF की कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।